जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आमिर आशमी और आप देख रहे हैं आमिर आशमी व्लॉग्स। तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ पीपी 193 में, तो सिकंदर चौक में। तो इलेक्शन का जोर शोर है, आपको पता है, तो लोगों से जानते हैं कि वो किन को वोट देंगे, तो आए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जान किसको वोट देंगे? जी हम देंगे तरीके लबाई को। अच्छा जी, तरीके लबाई को वोट देने के लिए मतलब आपका कैसे दिल किया? बस शौक था हमारा। अच्छा जी, दिलचस्पी थी। अच्छा जी, दिलचस्पी है। जी दिलचस्पी है। आप पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह टीएलपी। टी वाह जी वाह, टीएलपी के दो वोट हो चुके हैं इस टाइम सिकंदर चौक में। चलें जी आगे हम पूछते हैं। जी तो हम दो से जानते हैं कि ये वोट किन को देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाम नहीं आना है। आप देख रहे हैं जिन्होंने जिनको वोट देना है वो घबरा रहे हैं कि हम दूसरे दिन कहीं और ना चले जाएं, तो आए हमारे साथ आगे देना है किन्नू ने। हम अपने एक दोस्त से पूछते हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वोट इंशाल्लाह किसन को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद भाई क्या हमारी ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। नून लीग के स्पेशल किन के सपोर्टर हैं? जी मियां फरूक मानेका साहब, उनको वोट देंगे इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो जीतेंगे, बहुत वोट देंगे इंशाल्लाह उनको। माशाल्लाह जी, वोट देने की वजह क्या है? वैसे हमारा लीडर बहुत अच्छा है मियां फरूक मानेका। चले जी आया हम दोस्तों से और से लोगों से पूछते हैं कि किन को वोट देंगे। तो हमारे साथ कुछ दोस्त इधर भी बैठे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि किन को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तो भैया ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। अंकल जी वोट किन दे सो ऐस फेरी? वोट किन दोगे ऐस फेरी? जेड़ा है ना भाई खान साहब। हां जी, इन दा बिल्कुल ही नहीं देना ना 0 पॉइंट। अच्छा, बंदा बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा, ये हर बंदे दी रोजी कमान दे लात मारदा है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो और जेड़ी पार्टियां हैं? हां जी, दिल्ली ख्वाहिश किनू किनू दे सो? ये हाली भाई मैं सोच रहा हूं, सोच रहा जी। हाली हफ्ता पूरा पे सोच है चाहे ने, हाली हफ्ता पूरा पे है, कोई भी मतलब ये गाल नहीं कर सकते। हां चलो जी, मैं गाल दे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? शुक्र है भाई। जन किन वोट दोगे? बस जी सोच रहे हैं ऐसे भी। तुसी पहले सोच जी, 8 दिन हाले पे ने, हाले ज्यादातर आम सोच रही है कि किन वोट दईए भाई। हाली हफ्ता पे है ना, देवा दे जरूर, ये अमानत है, एक किसे देना तो है। अच्छा अच्छा, किन्नू मर्जी दे दे। अच्छा जी चलो, असि एक और दोस्त को किसी को पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, किन्नू वोट दोगे? पीटीआई नु जी। पीटीआई नु? क्या बात है, क्यों की खुशियत इस गल दी? साडी दिल लगी पीटीआई नाल। अच्छा जी, हां जी चलो जी, एक वोट हो गया जी सिकंदर चौक दे पीटीआई दा। असि दोस्तों और को पूछने हैं, हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो किन को वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किन को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक बड़े भाई को दस दे। वैसे अगर सोच रहे हो हाले तक नहीं दिता तो वो भी दस सकते, हाले भी सोच रहे हैं, हाले तक सोच रहे हैं जनाब। अच्छा जी, तुसी भी यही गल करोगे कि वैसे किसी दोगे कि किसी पार्टी दोगे, बल्ले दोगे, शेर नु के तरीके लबाई नु? पीटीआई दे। अच्छा पीटीआई दोगे। दो वोट हो गए जी पीटीआई दे, अगे आप पता कर लेने जी किन्ना किन्ना नु कौन कौन वोट देंगे। आगे हम लोगों से जानते हैं कि वो किन को वोट देंगे। हमारे स्पेशल जो हैं दोस्त हैं टीएलपी के, तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि वो इस बार किन को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, जनाब क्या हाल है? तबीयत ठीक है? बिल्कुल फिट। अच्छा मैंने ये दसो जी, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਫੇਰੀ ਵੋਟ ਕਿਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲਬੈਗ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ, ਸਾਧ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਤਖਤ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੋਗੇ? स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब मैं समझ गया, लेकिन कोई थोड़ी बहुत ही इंसान साडा वोट हमेशा तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिए, जेडी पार्टी मुल्क दी खैर खा ओदे लिए। वैसे कोई लीडर पसंदीदा लीडर होवे जेड़ा मुल्क लिए अच्छा है? मतलब हाले तक 8 दिन पे ने, कोई हाले सोच रहे हो के मतलब नहीं सोचन दी जे अल्लाह ओ ही लेवे जेड़ा इस मुल्क वास्ते बेहतर होवे, पब्लिक सिलेक्ट करेगी लेकिन पब्लिक तो सपोर्ट सिलेक्ट करेगी, तुसी वोट दोगे इंशाल्लाह लाजमन, जेड़ा मुल्क वास्ते अच्छा होएगा लाजमन इंशाल्लाह। चलें जी, अभी तक जो फैसला उन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है शायद वो ना बता सकते हो, तो आगे हम दोस्तों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी,
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਇਕ ਆ। ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੋਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਇਕ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਜਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਚਾਚੂ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਸੋ? ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਕਾਰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਕੜ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਡਰਦੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ। 4 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕੋ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ਾਤਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰ ਖਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਸੋ ਜੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਯੂਥ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। تو لوگ کافی مصروف ہیں دکانوں میں، تو ہم ان سے جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کن کو ووٹ دینا چاہیں گے اور کن کو پسند کرتے ہیں۔ اپنی اپنی پارٹی، اپنا اپنا جو ہے دل ہوتا ہے، جن کو جو اپنی رائے دے گا، آپ دیکھ لیں، تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہائے مارس، السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ سلام، طبیعت ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ سر جی، اس بار جو ہے وہ الیکشن کی بھرمار ہے، اور آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا پسند کریں گے؟ میں جناب پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ میرا نام محمد افضال ہے، اور ہم ادھر اس علاقے میں پوری میں کمپین بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ رو عمر ہاشم خان ادھر امیدوار ہیں، جو N139 اور PP 193 میں، PP 193 میں انہوں نے مور کا نشان ہے جو میاں حیات مانیکا صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، اور عمر ہاشم خان ہے N139 میں جو کہ لڑ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ PTI کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، ان شاء اللہ یا کا نا ابدو یا کا نستا ہی واجب۔ اچھا افضال صاحب، میں آپ سے یہ چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں جن سے یہ پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا جو ووٹ ہے وہ ضمیر کا، ابھی ہم بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک وہ کوئی بتا نہیں رہے، کوئی بات نہیں کر رہے، وہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو سب مطلب اپنی اپنی کمپین بھی اچھی طرح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ بھائی جان، بات تو پہلے کلیئر ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہاں جی، بھی کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں۔ صرف کسی کا یہ ہے، ابھی کوئی سیاسی پریشر ہو سکتا ہے کسی کو، کوئی ایسے دوستیاں نہ خراب ہو جائیں یا معاملات، جس وقت ووٹ ڈلنے ہیں نا، جس وقت اندر جا کے پرچی پہ مور لگنی ہے، وہ انشاءاللہ PTI ون کرے۔ لیکن ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جن کے ساتھ بندہ کھڑا ہی رہے، یہ نہیں کہ ہمارا سیاست اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور سپورٹ کرنی ہو تو وہ بھی اپنی جگہ ہی ہوتی ہے، یہ دوستی کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ
बताते भी नहीं है और अपना जो है दिल की बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोग डर रहे हैं वो बताने नहीं चाहते। जी ऐसा ही है, पता क्या बात है, इधर हमारा ये बैकवर्ड इलाका थोड़ा सा, इधर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ना काफ़ी लोग शौक पैदा हो गए, अपडेट हो रहे हैं जी जी। क्योंकि ना हमारी जो न्यू जनरेशन है ना जी जी। वो अपडेट हो चुकी है जी जी, बिल्कुल। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना वो इमरान खान का नारा लगा रहे हैं। हाँ जी ऐसी बात है, मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो ऐसे कह रहे हैं। तो इधर कुछ दोस्त खड़े हैं उनसे भी हम पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? फारूक अहमद। फारूक अहमद भाई किन को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी फेवरेट है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। यस यस ऑफ कोर्स। तो आपको पता है जो बंदा ये अल्फाज बोल देता है तो हर बंदे के जो है ना माइंड में वो टच लग जाता है कि ये किन को वोट देना पसंद करेंगे। और आपके जो सियासी इधर जो वोट जो लीडर हैं इधर के वो कौन से हैं, किन को लीडर? राव उमर आशम है MNA जी जी 139 पे जी। और वो MP हैं उमर आशम, उसका नाम है हयात माने का, मियाँ हयात खान माने खान साहब, मियाँ मोहम्मद अता माने खान साहब के बेटे हैं। बेटे हैं नहीं, हम उनको पहले नहीं जानते थे जी, तो हम कल से उनको जानने लगे हैं। रीजन पीटीआई और उमर हाशिम, राव उमर हाशिम। यस सही सही। और इंशाल्लाह पीटीआई विंस द इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी। हाँ। तो जी नाज़रीन आपको पता चला कि हमारे सिकंदर चौक में लोग कौन कौन किन को वोट दे रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, तो बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।